स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। सरकार ने पेश किया अपना अंतरिम बजट। नौकरी पेशा करने वाले को दिया तोहफा, 5 लाख तक नहीं लगेगा कोई टैक्स। लोगों ने बताया ऐसे चुनावी बजट कहा धरातल पर, किसी को नहीं कोई फायदा। पंचायत समिति की साधारण बैठक आयोजित, सभी ने रखी अपनी अपनी समस्याएं। और पंचायत समिति की साधारण बैठक में हुआ दो विभागों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। 5 लाख तक के इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, इससे करीब 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए उनके 5 लाख तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया है। मानक कटौती को भी मौजूदा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने आम चुनाव से पहले वीरवार को पेश अपने आखिरी बजट यानी अंतरिम प्रस्ताव में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपए का नगद समर्थन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना और नौकरी पेशा तबके के लिए 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया है। इन 3 क्षेत्रों के लिए बजट में कुल मिलाकर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसे कुल मिलाकर करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही नया घर बनाने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। 40,000 तक के ब्याज पर TDS नहीं लगेगा। इसके साथ ही ग्रेजुएटी की सीमा 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक नई योजना के तहत छोटे किसानों को 3 किश्तों में सालाना 6,000 करोड़ रुपए की नगद सहायता देने का ऐलान किया है। इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। यह सहायता 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। वहीं बीजेपी सरकार के इस अंतरिम बजट को लोग चुनावी बजट का नाम भी दे रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये महज जनता से एक धोखा है। अगर देखा जाए तो इसका लॉन्ग टर्म के लिए किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। वहीं किसानों को मिलने वाले फायदे और लोगों को भ्रमित करने वाले बजट का भी लोग इसे नाम दे रहे हैं। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए उन लोगों को सबसे बड़ी सौगात दी है जिनकी सालाना आय अब 5 लाख की है। उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उन्हें अब इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद कई लोगों ने इस बजट का स्वागत किया और इसे जनता का बजट बताया। वो बजट पेश किया है जो 2.5 लाख से 5 लाख की है, ये इसके लिए तो व्यापारियों को बहुत बेनिफिट है। हाँ, जो 2.5 से 5 की है ये नई चीज है, ये बहुत फायदा हुआ है। एकदम 2.5 से 5 के बहुत हाँ जी, इससे बहुत फायदा होगा व्यापारियों को। 2.5 से जो 5 लाख की हुई है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं कहा। ये चुनाव भी है जो उन 2 स्टेटों में इनकी हार होने के कारण 3 स्टेटों में अब इन्होंने जुमला फेंका है। ये जो आज 18-19 का ये जो बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये बजट बहुत ही सकारात्मक रहा है। ये हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है, किसान वर्ग के लिए और कर्मचारियों के विशेष तौर पर जो हमारे लंबे समय से जो मांग चल रही थी इनकम टैक्स की स्लैब में जो है बढ़ाने की, वो 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो एक मध्यम वर्गीय और जो है मध्यम कर्मचारियों के लिए बहुत ही राहत भरी है। हम इसका स्वागत करते हैं और ये जो बजट है सकारात्मक रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का कहना है कि ये महज एक लोक लुभावन और खोखला बजट है। एडवोकेट JP गर्ग का मानना है कि हर बार की तरह इस बार भी जनता से छलावा हुआ है। उन्होंने बताया कि किस तरह से बजट में 5 लाख सालाना आय वालों का फॉर्मूला सरकार ने तय किया है। बजट जो है ये मतलब जनता को लुभावने के लिए बजट दिया गया है और जो बजट में ये कहा गया कि 5 लाख की छूट है, एक्चुअली 5 लाख की छूट दी नहीं गई है। 5 लाख तक की छूट है, मतलब जिस आदमी की इनकम 5 लाख है उसको छूट दी गई है। अदरवाइज जो अपनी सिस्ट है, जैसे वो है 2.5 लाख तक, 2.5 से ऊपर 5%, 2.5 लाख की छूट है। एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की ही है, स्लैब में कोई चेंज नहीं किए गए हैं। 5 लाख की छूट 1/87 में छूट थी, पहले वो ये था कि 3.5 लाख रुपये तक अगर अपनी इनकम आती है तो उसमें 2,500 रुपये की छूट थी।
अब वो 3.5 वाले को 5 कर दिया है, अगर जिसकी इनकम 5 लाख तक रहेगी उसको छूट है, उसको 12,500 रुपये की छूट मिलेगी, लेकिन जिसकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाती है उसको किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है इस बजट में। तो ये एक कहना कि हमने 5 लाख एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख कर दी है, ये गलत है। एग्जम्पशन लिमिट बजट के मुताबिक 5 लाख नहीं की गई है, सिर्फ 2.5 लाख की इनकम ही रखी गई है। और वहीं दूसरी ओर एडवोकेट ओम प्रकाश का भी कहना है कि ये बजट एक भ्रमित बजट है। उन्होंने 40,000 पर TDS कटने की बात से लेकर 5 लाख तक टैक्स फ्री को पूरे डिटेल में समझाया कि किस तरह सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। ये बजट चुनावी बजट ही है, लोक लुभाना बजट बनाया गया है, लेकिन इसमें लोगों के कन्फ्यूजन भी काफ़ी क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि TDS के ऊपर 40,000 रुपये तक बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी जिन लोगों के जमा है उस पर TDS नहीं काटा जाएगा, सिर्फ ये महिलाओं के लिए है, जेंट्स के इसके इसमें छूट नहीं है। इसके अलावा जो 5 लाख तक की छूट दे दी गई है वो टैक्सेबल इनकम यदि किसी आदमी की 5 लाख से कम है तो उन्हीं को ये 5 लाख की छूट है, बाकी सब के लिए पुराना ही स्लैब लागू है। और टैक्स स्लैब यह अंतरिम बजट है, फाइनल बजट अभी बाद में आएगा तभी पता लगेगा कि क्या छूट है कैसे है, लेकिन 5 लाख की जो छूट है ये जिन लोगों की आय 5 लाख ही है और 80C का डिडक्शन की छूट ले लें, मेडिकल सारी छूटें लेने के बाद यदि उसकी इनकम यदि 5 लाख 1,000 भी हो जाती है तो उसको 2.5 लाख की ही छूट मिलेगी। पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से योजना के तहत छोटे किसानों को 3 किश्तों में सालाना 6,000 करोड़ रुपए की नगद सहायता देने का ऐलान किया, लेकिन ये सहायता 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर लोगों का इस बारे में कहना है कि इससे ज्यादा किसान लाभान्वित नहीं होंगे। और विशेष जैसे इन्होंने किसानों के लिए 2 हेक्टेयर जमीन के लिए 6,000 रुपये का वार्षिक अनुदान का घोषणा की गई है। बहुत कम ही जिम्मेदार हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर का मतलब हुआ करीब 8 बीघा जमीन ही, मतलब वाले काश्तकार बहुत कम होंगे, इसका लाभ भी ज्यादा लोगों को मिलने वाला नहीं लग रहा है। सरकार के आम चुनाव से पहले वीरवार को अपने आखिरी बजट प्रस्ताव में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपए का नगद समर्थन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना, नौकरी पेशा करने वालों के लिए 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया है। इन 3 क्षेत्रों के लिए बजट में कुल मिलाकर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इससे कुल मिलाकर 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कहते हैं अर्थशास्त्री संतोष राजपुरोहित, आइए सुनते हैं। दरअसल एक तो चुनाव के समय आया हुआ अंतरिम बजट है और मेरा मानना है कि ये इनकम ओरिएंटेड बजट है, जॉब ओरिएंटेड बजट नहीं है। इसमें रोजगार के अवसर पैदा हो ऐसा नहीं लगता है। हाँ, मध्यम वर्ग को आय की कर सीमा में छूट दी गई है, उसमें भी टैक्स की स्लैब परिवर्तित नहीं की है, लेकिन 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, तो जो मध्यम वर्ग है इसको साधने का एक प्रयास किया गया है। साथ ही 2 हेक्टेयर भूमि तक के किसानों को 6,000 रुपये जो वार्षिक सहायता देने की बात है और 2% तक कर लोन में ब्याज में छूट देने की बात है, तो इससे कहीं ना कहीं अल्पकालीन कल्याणकारी रास्ता तो खुलेगा, लेकिन इससे दीर्घकालीन कोई अवसर पैदा हो या दीर्घकालीन इस बजट के कोई मायने निकलते हों ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हाँ, कुछ अगर इस प्रकार के प्रयास होते कि टैक्स की स्लैब रेट के अंदर चेंज होता, परिवर्तन होता, इसको बढ़ाया जाता और कुछ लोक कल्याणकारी योजनाएँ इस प्रकार की होती जिनके दीर्घकालीन अगर लाभ दिखाई देते तो ये वास्तव में एक लोक कल्याणकारी बजट होता। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। टाउन में पंचायत समिति की एक साधारण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समस्त सरपंचों सहित विभागों से संबंधित कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद रहे। हर एक सरपंचों ने अपने इलाके की समस्याओं को सामने रखा और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और कार्यों में गति के लिए निवेदन किया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या मुद्दे उठाए गए सरपंचों के द्वारा इस बैठक में। पंचायत में कितनी डाली थी और कितनी कर दी? आदिवासी ग्राम पंचायत रणजीतपुरा, रणजीतपुरा में काफी कर दी, कुछ बाकी रह गए। सर एक उदाहरण बताऊं मैं आपका, दीनदयाल उपाध्याय योजना का
कि एक ढाणी है उसमें बाप के नाम से पहले ढाणी थी, बेटा अलग हो गया, उसमें आपने पहले से लाइट है उसमें, और आपने उसमें लाइट दी है, उस लाइट में विद्युत विभाग के 16 खंभे लगे हैं, जबकि उसी ढाणी में लाइट है पहले से है। दीनदयाल उपाध्याय जोड़ने के लिए आपने उस विद्युत विभाग का कनेक्शन, यानी आपका टारगेट पूरा करने के लिए एक ढाणी में 16 खंभे लगे, जबकि बेटा अलग हुआ है, बस एक पार्टी दो है, एक ढाणी कोई ग्रुप में आया हुआ है ना? नहीं सर, कोई ग्रुप में नहीं है, एक ढाणी है। आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। किस नाम से आप हैं? किस नाम से? ये है 10 NDR के अंदर सर। ठीक है, ठेकेदार ने हमारे कहने के बावजूद भी पोल लगाए कि मेरे पैसे कट रहा है। ठीक है, काम करो। बाद में क्या है कि हमें पता ही नहीं होता, सरपंचों को पता ही नहीं होता काम क्या हो रहा है। काम जब हो रहा होता है तब लोग आके इकट्ठे आके हमें कहते हैं ये काम नहीं होना चाहिए, फिर वो थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है। पहले आप सरपंच से बात किया करो कि हम ये काम कर रहे हैं, बताओ सही है कि नहीं, इसके लिए उचित जगह है कि नहीं। ये थोड़ा आप इसमें कन्वर्सेशन नहीं करते आप, ये सबसे बड़ी कमी आपके डिपार्टमेंट की। सोचना तो साहब मरे बाद में दुआई दिया भी असर हुआ, पहला जीवन दिया तो बच्चे। और एक आपसे निवेदन है, मैं 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ, कुल में 12 IH में जो केंद्र जो स्कूल है उसमें 2 खंभे लगाने लगे। ठीक है, 2 साल से लगा। ठीक है, और एक कुल में 6 नंबर वार्ड में वो है ट्रांसफार्मर, वो बहुत नीचे है, वहाँ कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन दे रखी है। स्टोर से आपको नहीं मिलते हैं पुराने, वो तो आपको पता है। हाँ, नहीं आते हैं मेरे गांव में। अभी दीनदयाल में क्या लाइन खींची है भूमसरा के पास, चक्का हिपरा ग्राम पंचायत मटोरिया, तो उसमें क्या है ट्रांसमीटर बिल्कुल पुराना और छोटा रख दिया उससे, वो लाइट ही पूर्ति नहीं कर रहा है। न्यू लाइन है दीनदयाल में, फर्स्ट बार ट्रांसमीटर लगा है। मेरे चोला वाड़ी के अंदर कल ही मेरी पाइप रुक गई, रुकी किस वजह से कि 2 कबूतर पाइप के अंदर आकर के फंस गए। कमाल हो गई यार, जब आपके पास फिल्टर की व्यवस्था है और टैंक है और टैंक से पानी आ रहा है, फिर कबूतर आकर के कैसे फंस गया 4 इंची पाइप के अंदर, जांच करवा लो। और फिर आपका डिपार्टमेंट जितना मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा खराब काम आपका डिपार्टमेंट करता है। मेरे चोलावाड़ी के अंदर 2.5 करोड़ की लागत, माननीय चौधरी विनोद कुमार जी ने 2.5 करोड़ रुपए दिए थे और राज्य सरकार से पूरे चोलावाड़ी के वाटरवर्क्स का नक्शा चेंज होना था, पाइपें डलनी थी, सारा काम होना था। और वहां जब हमने कहा पंचायत ने कि एक जो हमारे एक साइड की दीवार है वो भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे ना उस समय की बनी हुई है, इतने बड़े बड़े छेद है, वो दीवार तो उस ठेकेदार ने तैयार नहीं की। और जब आपके कोई डिपार्टमेंट वाला आकर के कहता था वो काम करते थे, सारा काम नकली है, सब जगह लीकेज है। और जब हम ठेकेदार को फोन करते हैं, आपके डिपार्टमेंट को 50 बार हमने लिख के कहा है कि यहाँ जो कर्मचारी उनको बदला जाए, क्यों नहीं बदल रहे आप, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे आप उनके खिलाफ, आप ठेकेदार से या तो पैसे खाते हो, बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है। और काफी टाइम से हम प्रयास कर रहे हैं कि वो रोड चौड़ी हो, और वो रोड 85.5 फुट चौड़ी है कागजों में उनके विभाग में, और वो रोड अब मौके पे 10 फीट चल रही है और साइडों में कांटे और रुपए हुए हैं जिससे आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। और कम से कम अपनी बाउंड्री पे ये या तो पोल लगवाएं और पंचायत से हम नरेगा से चाहे मिट्टी भर्ती करवाएं, ये अपनी बाउंड्री तय करें, उसके बाद में जो बची जो जगह उसमें हम मिट्टी लगा के उसको कुछ हम भी सेवा करेंगे, भी सड़क कुछ ना कुछ चौड़ी हो। और बाकी स्वीकृत होगी कि नहीं हुई, हमें बताया था कि 7 मीटर चौड़ी होगी वो स्वीकृत। हमने 7 मीटर चौड़ा करने के लिए राज्य सरकार को भेजे थे, गत राज्य सरकार के बजट के अंदर माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि इस कार्य को स्वीकृत कर दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार स्तर पर उस कार्य की स्वीकृति जारी नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप सड़क के चौड़ाईकरण की बात कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि अपने यहीं की ही सभी जगह परंपरा है कि जितना थोड़ा रास्ता होता है यदि काश्तकार थोड़ा सा अपना ध्यान कर ले और उस रास्ते को छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है। जो छोटे सरकार की जगह नहीं मिलेगी, ये जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, आप लोग जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे उसको रोकेंगे, तब तक ये ऐसा ही अतिक्रमण
शराब और ये को घोड़ा बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, पर क्या है उसको घोड़ा? हाँ इतना आवेद है हमारे गांव में, एक चिट्टा सब चिट्टा चट्टा ही घोड़ा है हमारी साइड में, हरियाणा से आता है सब सारा। आदरणीय जनप्रतिनिधि जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, पिछले चार और पांच महीने में नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है, पिछले तीन साल में पांच साल से ज्यादा हुई है और पुलिस लगी हुई है और रेगुलर कार्रवाई की जा रही है, रेलवे के सर्किल में समय में दर्ज किया जा रहा है। आपको बताइए सर, वो अवैध शराब के चक्कर में रणजीतपुरा में तो लड़ाई ही हुई है, आपके पास भी एक दो चांस? बिल्कुल, वो गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी जेल में है। जितना जो ये नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, नशा मुक्ति केंद्र की आगे पदाधिकारी सर, जितने नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में सबसे ज्यादा नशा चल रहा है और जो कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं इसकी आड़ में। वहाँ कहते हैं कि नशा छुड़ाया जाता है और सबसे ज्यादा सप्लाई है जो नशा मुक्ति केंद्रों में होती है इस टाइम। आपको अगर इसकी पूछताछ पूछना चाहिए तो आप मेरे सतीपुरा नशा मुक्ति केंद्र में जाके देखिए। पंचायत समिति की बैठक में कम सरपंचों की हाजिरी से प्रधान जयदेव भिड़ासरा नाराज नजर आए। उन्होंने दो टूक कहा कि जो आम जन की अनदेखी करेगा उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि बैठक में कुल 33 सरपंचों की हाजिरी लगनी थी जबकि पहुंचे कुल 15 सरपंच। इसके साथ साथ दो विभागों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। आज हमारी साधारण सभा की बैठक रखी गई जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंट को बुलाया गया, इसमें से ज़्यादातर एक्शन को यहाँ आना जरूरी है अधिकारी को, क्योंकि छोटे अधिकारियों को भेज देते उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी बात किस प्रकार से करनी है, जवाब नहीं दे पाते। उन विभागों के खिलाफ हमने निंदा प्रस्ताव पारित किया, वो कलेक्टर साहब को लिखेंगे, राज्य सरकार को भी लिखेंगे और संबंधित मंत्रालय को उनको लिखेंगे कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए जिससे कि आइंदा किसी को नसीहत हो सके। ये गाँव की सरकार है, यहाँ पर गाँव के लोग बसते हैं, उनकी समस्याएँ सुनी जाती है, अगर उनको अपन नज़रअंदाज कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो किसी प्रकार से सहन नहीं करेगी किसी बात को भी, किसी गरीब को, किसी गांव वाले को, किसी किसान को अपनी जितनी सुविधाएं मिले उनसे वंचित रहे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी प्रकार से। जहां तक रसद विभाग की बात थी, खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जोड़ने हैं, उनमें काफ़ी वहां पे धांधलीबाजी हो रही है, सीधे डीलर जाके जुड़वा लेता है,
ऐसी बात भी हमने SDM साहब के सामने रखी जो आज आए थे हमारे पास सामने, उन्होंने इस बात को भी अचंभित रहे कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी OTP भी वगैरह हो, लेकिन रसद विभाग में शायद ऐसा होता होगा, डायरेक्ट करते हैं, तो इस बात की भी जांच की जाएगी, कोई जो इसके लिए वंचित ना रहे। बैठक के बाद स्काई चैनल के साथ बातचीत में प्रधान जयदेव भिड़ासरा ने कहा कि जिनकी भी समस्याएं सामने आई हैं उनके निराकरण पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सरपंचों को दिशा निर्देश भी दिए। सभी अधिकारियों को कहा गया और पवन सभी समय पर आए और जितनी भी समस्याएं हैं, ये सरकार बिल्कुल संवेदनशील है, सभी के गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है, मजदूर की सरकार है, व्यापारी की सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है, ना किसी धर्म को मानते, हम धर्म निरपेक्ष और सबको साथ लेके चलने वाले हैं। ये इसमें रसद विभाग का बताया था उन्होंने, ऐसी सरपंच साहब के पास किसी के पास कोई सूचना नहीं है कि कैसे करवा लिया गया, इसकी हम जांच करेंगे। एक चीज़ हमने और पाबंद कर दिया अनुकार, जितनी भी सूचियाँ हैं वो सारी दुकानों पर लगाई जाएगी और तमाम सरपंच साहब को दी जाएगी, अगर ऐसा किसी ने नहीं किया गया तो हम विभाग को लिखेंगे। और वहीं दूसरी ओर बैठक में नशा मुक्ति केंद्रों पर भी चर्चा की गई, इसके साथ ही सड़कों के रुके हुए निर्माणों को भी पूरा करने की मांग को उठाया गया। कि जो भी सिंचाई विभाग से संबंधित था कि हमारे एक माइनर आती है सूर्यवाला से निकल के, तो माइनर में क्या है, जब भी पता ही नहीं चलता कब पानी ओवरफ्लो कर दिया जाए और उससे काफ़ी लोगों के फसलों का नुकसान हो रहा है। अभी पिछले दिनों भी 3-4 दिन पहले ही नहर टूटी थी और लगभग लोगों के 20-22 बीघों में काफ़ी नुकसान हुआ। तीसरा मेरा ये था कि हमारे ग्राम सतीपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ की मैं एक आम व्यक्ति बन के जाती हूँ पट्टी करवाने के लिए, तो वहाँ ANM मुझे मना कर देती है और जब मैं उसे अपना पद बताती हूँ तो वो यस कर देती है कि हाँ पट्टियाँ हमारे विभाग से आती हैं। और यही है कि आम व्यक्ति बन के जाए तो कोई भी ऐसे चाहे नर्स है या कोई कर्मचारी है फिर तो काम ही नहीं करेगा। आज पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में जो NGO के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर लगे पंचायतों में उनको संविदा के अंदर लेने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से सभी ने जिला परिषद में भिजवा दिया है, ताकि उन्हें भी संविदा कर्मियों का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात की थी उन्हें फ़ायदा मिल सके। उसके अलावा गौरव पथ की बात थी, जो लखो वाली में गौरव पथ था उसके बारे में दोबारा उन्होंने ANC ने बताया कि दोबारा उसको भेजा गया है। पंचायत सहजूपुरा में प्रधान वोटे से एक सड़क स्वीकृत हुई थी राधा स्वामी डेरा से लेकर सरस्वती स्कूल की तरफ, तो जैसे ही हमने काम चालू किया 19-1 को तो दोनों साइड खाली खुदवा ली, JCB से सड़क बनानी शुरू कर दी। तो प्रधान जी ने पहले यहाँ JTO को भेजा, उसके बाद में ANC साहब को भेजा, सेकंड जी को भी काम बंद करवाया जाए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर नोहर से है जहां हीरोइन सप्लायर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जबकि एक साथी उसका फरार होने में कामयाब हो गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करके थाना प्रभारी महेंद्र सिंह मीणा ने सोती रोड पर कार नाकेबंदी की, उन्हें दो जने मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। एक जना पुलिस को देखकर फरार हो गया और एक जना पुलिस के हत्थे पर गया। आरोपी जोगिंदर राजपूत के कब्जे से 5 ग्राम अफीम भी बरामद हुई है। इतला मिली कि वार्ड नंबर 2 निवासी जोगेंद्र और गोल्डी और गगनदीप चिट्टा अवैध चिट्टा लेके आ रहे हैं, जिस पर सोती रोड पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की गई, तो नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल आता दिखाई दिया जिस पर दो व्यक्ति सवार थे
पुलिस को देख कर भाग लेंगे, जिस पर है जोगिंदर को गिरफ्तार कर तलाशी ली गई तो उससे 5 ग्राम अवैध चिट्टा बरामद हुआ और जिस पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान बोड़ा राम जी SHO गोगामी के द्वारा किया जा रहा है। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में 10 दिवसीय निशुल्क शिविर की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि यह 10 दिवसीय निशुल्क कैंप है जहां 4 सूत्र शिक्षा पद्धति के द्वारा रोगों का इलाज करवाया जाएगा। 4 सूत्र शिक्षा पद्धति के द्वारा अब होगा रोगों का निराकरण। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल टाउन के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में 10 दिवसीय निशुल्क शिविर का आयोजन आज से शुरू हो चुका है, जहाँ हर तरह की बीमारियों के इलाज 4 सूत्र शिक्षा पद्धति के द्वारा किया जाएगा। इसमें 10 दिनों तक मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज किया जाएगा। 60-70 लाख रुपए चंडी साहब ने इस बिल्डिंग में खर्च किए हैं। तो मैं पहले MLA था तब ये लगे रहते थे कि अपने को इस तरह का ये काम करना है, वो काम करना है। तो मेरे ख्याल से आज यहाँ जो मशीनें हैं और जो सुविधा है राजस्थान लोगों के लिए है, और लोग ये एलोपैथिक पद्धति से गए, इसके साइड इफेक्ट है, धीरे धीरे वापस जो है वो प्राकृतिक जो है ये आयुर्वेद की जो है उसमें आने का। अब जैसे ये बवासीर का है, ये धागे से जो ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बीमारी लगभग 50-60% तो नेचुरल होती है और ये कष्टदायी बहुत है, लेकिन आदमी शर्म के मारे ये इस तरह की शंकाएं वो व्यक्त नहीं करता, वो तकलीफ सहता रहता है। मैं समझता हूँ कि इस कैंप का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो कम। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 10 दिन का जो कैंप रखा गया है विभिन्न बीमारियों के लिए, जो विशेष रूप से गुदा की बीमारियां हैं और उनके लिए, उसके लिए समस्त व्यवस्था चिकित्सालय की तरफ से, रहने की, खाने की, उनके सारी व्यवस्थाएं जो है चिकित्सालय द्वारा की जा रही है, सरकार द्वारा की जा रही है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अगर अपना इलाज करवाएंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसा आपको विदित है, जिला चिकित्सालय राजस्थान के माने हुए आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से एक है। यहाँ काफ़ी अच्छी आधुनिक मशीनें लगी हुई है जिनके माध्यम से लोगों का उपचार किया जाता है। हमारा 10 दिन का आयुर्वेद का 4 सूत्र का शिक्षा शिविर है। 4 सूत्र शिक्षा में जो बवासीर होता है जिसको पाइल्स कहते हैं, और जो फिस्टूला होता है जिसको हम आयुर्वेद में बगंदर कहते हैं, उर्दू में उसको नासूर कहते हैं, ये एक बहुत ही जटिल रोग है, इसकी हम लोग 4 सूत्र से शिक्षा करेंगे। वो रोगी को 10 दिन एडमिट रखेंगे और इसमें सरकार का औषधियों का, खाने का, सब तरीके की हमारे विभाग की तरफ से व्यवस्था होगी और ये हम लोग उपचार करेंगे। धरती पुत्र कहे जाने वाले किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और आज धरने का 3रा दिन है। बता दें कि राष्ट्रीय किसान महापंचायत के नेतृत्व में अन्ना हजारे के दिशा निर्देश में समस्त भारत में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर किसानों के लिए फसल का उचित समर्थन मूल्य सुनिश्चित कर किसानों को उसका पूरा फायदा मिलने, इसके साथ ही किसानों को पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त किए जाने और केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त की मांग को लेकर किसान धरने पर है। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। केंद्र सरकार जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद। किसानों का 3रा दिन का धरना जारी है और जब तक किसानों की मांग सरकार नहीं मान लेती धरना जारी रहे। हमारा धरना, हमारी मांगे हैं कि किसान को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उसकी फसल का लागत का 2+50% के हिसाब से 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिया जाए, किसान को पूरा कर्ज मुक्त किया जाए और राज्य के अंदर लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल नियुक्त किया जाए। इसके साथ साथ किसान के जो फसल है उसमें सब्जी, दूध और फल उनका MSP तय किया जाए। इन मांगों को लेकर के किसान धरने पर डटा हुआ है। टाउन के पंचायत समिति सभागार में सेवानिवृत्त और विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विकास अधिकारी ऋतुराज महला को विदाई दी गई। इसके साथ ही अपनी सेवा पर पूरी कर चुके 2 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी विदाई दी गई। Thank you.
कृष्ण जाखड़ साहब का आज रिटायरमेंट है और ये बड़े हार्दिक खुशी की बात है कि ये एक लंबी सर्विस के बाद में आज सफलतापूर्वक रिटायर हो रहे हैं। जाखड़ साहब के साथ काम करने का सौभाग्य मेरे को नहीं मिला। इनका डेपुटेशन मेरा कार्यकाल भी यहाँ पे छोटा है और दूसरा इनका डेपुटेशन जिला परिषद रहा है। जाखड़ साहब के साथ में मैंने यहाँ पे काम करा है तो इनका जो ऑनेस्टी है, जो काम के लिए नियमों से काम करना इनका जो है वो वास्तव में सराहनीय है और इन्होंने अपने परिवार को भी स्ट्रगल करके बहुत ऊंचाइयों पे स्थापित किया है, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। मैं इन दोनों श्रीमान जी श्री जाखड़ साहब और जांगड़ साहब को इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा ट्रांसफ़र भी यहाँ पे आचार संहिता के पीरियड के अंदर हुआ था, बीकानेर से हटाया गया था क्योंकि मेरा बीकानेर में लंबा स्टैंड था। तो मैं जब हटी थी वहाँ से तो हनुमानगढ़ आने में मैं ना तो विलिंग थी और मतलब कि मन के अंदर भी हज़ारों शंकाएं थी कि कैसा होगा कैसा होगा, या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा टेंशन दिमाग में थी। पर दो ढाई महीने बड़े शांति से आप लोगों के सहयोग से यहाँ पे निकले हैं। अधिकारी श्री राजकुमार जी जांगिड़ और वरिष्ठ सहायक श्री विजय कृष्ण जी जाखड़, इनका आज रिटायरमेंट है। सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम हमारे पंचायत समिति परिवार की तरफ से रखा गया है। इसी के साथ हमारे जो वीडियो मैम ऋतुराज जी महला थे उनका भी ट्रांसफ़र, उनको आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और उनकी जगह राधे राम जी रेवाड जो है उनका ट्रांसफ़र हुआ है वीडियो की पोस्ट पर। तो इन तीनों का कार्यक्रम आज पंचायत समिति परिवार की तरफ से इनका मान सम्मान कार्यक्रम छोटा सा रखा गया और इन सब का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। बड़े डेड ऑनेस्ट और अच्छे तरीके से कार्य करने वाले कर्मठ थे और जैसा कि हमारे पंचायत समिति परिवार की परंपरा है उसी परंपरा को निभाते हुए आज इनका विदाई समारोह रखा गया। उत्तम पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया जहां छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। देशभक्ति सहित बाल गीतों पर बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इसके कुछ झलकियां। نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما نحب نعيش الاحياء بالموت نوفا كيما ولد الزارع باش يخاطب لك يا ليلي يا ليلى واش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حبيتي ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخلوق منك طالي बच्चे के पैदा होते ही उसके हर बार रोने चिड़चिड़ाने पर मोबाइल पकड़ा देते हैं ताकि वो तो रहे एकदम टेंशन फ्री, पर वही मोबाइल बच्चे की विकास की एक सीमा तय कर देता है। Yeah.
पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।